और अगली खबर फिरोजाबाद से, जहां पर काठ बाजार में रविवार सुबह भीषण आग लग गई और इसमें करीब 300 दुकानें जल गई। आग इतनी भीषण थी कि 4 जिलों से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि फर्नीचर होने के चलते बार बार आग भड़क रही थी और मार्केट में ज्यादातर दुकानें टीन शेड की बनी हुई थी। हादसा सुबह करीब 3:30 पर हुआ। एक दुकान से उठी आग की लपटों ने पूरी मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया और पल भर में बाजार के करीब 300 दुकानें धधकने लगी। वहीं मौके पर अफरा तफरी मच गई। मार्केट में सो रहे लोग इधर उधर भागने लगे। अपना सब कुछ गंवा चुके रोते बिलखते दुकानदार लपटों और चिंगारी के बीच अपना सामान जो बचा हुआ था वो उठाते रहे। हालांकि ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया। भीषण आग के बाद दुकानदारों का गुस्सा फूट गया। उनका कहना है कि सुबह आग लगते ही दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन बचाव कर्मी करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचे और तब तक आग पूरी मार्केट में फैल चुकी थी। वही एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने कहा कि जनहानि की सूचना अभी तक नहीं है। आसपास के क्षेत्रों को खाली करा दिया गया है। आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा रहा है और 24 दुकानें जली हैं, जबकि दुकानदारों का कहना है कि 300 दुकानें जली हैं। लगभग 1 घंटा पहले सूचना मिली कि काठ बाजार जो जहाँ पे अस्थायी दुकानें हैं वहाँ पे फर्नीचर का काम होता है, थाना उत्तर क्षेत्र में है, वहाँ पे किन्हीं कारणों से आग लग गई। इस सूचना पर तत्काल हमने जनपद के अन्य जो फायर स्टेशन हैं, चाहे जसराना, सिरसागंज, सुखोहाबाद, यहाँ की गाड़ियों को भी हमने रवाना किया। टूंडला की गाड़ी को रवाना कराया गया। उसके बाद यहाँ पे गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हो गया, क्योंकि आग बड़ी थी और यहाँ पर अस्थायी दुकानें थी, फर्नीचर की दुकानें थी, इसलिए आग जल्दी बढ़ गई। इसलिए हम लोगों ने आसपास के जनपद हैं मैनपुरी, एटा, मथुरा, आगरा, इनसे भी हमने मदद ली। उनकी गाड़ियां भी रवाना हो गई, पहुंचने वाली हैं। हमारी यहाँ पे गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही हैं। आग को हम लोगों ने एक जगह पे कंटेन कर दिया गया। अभी पूरी तरह से उस पर हम लोग काबू नहीं पाए हैं। आसपास के जो आबादी इलाके हैं उनको हम लोगों ने खाली करा दिया है। प्रयास से चल रहा है कि शीघ्र ही हम लोग